हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद और अब हम आ गए हैं सहस्त्र धारा पर। फ्रेंड्स, सहस्त्र धारा ये भी देहरादून में पड़ता है और ये वादियों से घिरा हुआ पानी के कुंड यहां पर बहुत सारे हैं, तो लोग यहां पर आते हैं। रोप वे भी है यहां पर, तो बहुत ही सुंदर घाटियों के बीच में ये जगह है। तो अब हम अंदर चलते हैं। यहाँ आप पहाड़ देख रहे हैं, पहाड़ियों की ये तलहटी पे आप मकान भी हैं और ये आप देख रहे हैं सुंदर नज़ारा। सड़कों से आपको ये नज़ारा दिखाई देगा पहाड़ियों का, और ये साइड में भी ये हम रोड के ये पहाड़ियाँ आपको दिखाई दे रही हैं सहस्त्रधारा से पहले। और ये फ्रेंड्स रोप वे जो होता है, तो ये आप ये देख रहे हैं यहाँ से रोप वे के थ्रू नीचाई से ऊपर चोटी तक लेके जाए जाते हैं। वो आप देख रहे हो ट्रॉली है रोप वे वाली, जिनसे कि जो टूरिस्ट होते हैं ऊपर नीचे आते हैं। फ्रेंड्स, ये वो कुंड बनाए गए हैं यहाँ पर सहस्त्रधारा में, जिन आप आके देख सकते हैं यहाँ पर। ये चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, हरियाली आप देख रहे हैं, और ये कुंड में जो आप देख रहे हैं अलग अलग कुंडों में लोग नहा रहे हैं। ज़्यादा गहरे नहीं हैं बहुत, आप देखिए कितना साफ पानी है एकदम। गर्मी में यहाँ पर आने का मज़ा है, बहुत सुंदर आप ये देख रहे हैं। दूर दूर तक ये कुंड ऐसे बनाए गए हैं, टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और अपनी गर्मी की छुट्टियाँ ज़्यादातर यहीं पे ही बिताते हैं, क्योंकि बाकी नॉर्थ इंडिया में काफ़ी गर्मी पड़ी होती है लेकिन यहाँ पर काफ़ी ठंडा माहौल होता है। ये छोटी शॉपिंग मार्केट भी है यहाँ पर, आप छोटे खेल खिलौने भी आप ख़रीद सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आप देखिए लोग फैमिली के साथ यहाँ पर आते हैं, खाने पीने का, रुकने का, ठहरने का सब इंतज़ाम है। देखिए आप कितना प्यारा छोटा झरना ये देखिए, और यहाँ पर एक छोटा अम्यूज़मेंट पार्क भी है ऊपर, तो आप इसमें भी आके एंजॉय कर सकते हैं। चारों तरफ ये वादी का बहुत सुंदर नज़ारा ये देखिए, और आगे ये धारा आगे पहाड़ियों के बीच में घाटियों के बीच में होती हुई आगे निकल जाती है, तो ये भी आप देख रहे हैं। तो फ्रेंड्स, ये था सहस्त्र धारा। और फ्रेंड्स, अगर आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।